अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ योर फ्रेंड आबिद। आई होप आप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे और मस्त होंगे। सो स्वागत है आप लोगों का मेरे इस नई वीडियो में। आप लोगों को टाइटल देख के पता चला होगा कि वीडियो किस पे जाने वाला है। सो हमारी क्लास लगती है सुबह 9:15 से 4:30 तक लगती है क्लास, एंड उसमें 1 बजे हमारी लंच ब्रेक होती है। सो करते हैं वीडियो को स्टार्ट, मिलते हैं कॉलेज में। सो गाइज, अभी मैं पहुँच गया हूँ कॉलेज, एंड ये मेरा ब्लॉग है, मैकेनिकल डिपार्टमेंट वालों का ब्लॉग है। एंड अभी जाते हैं अंदर, क्लास लगने वाली होगी। सो मिलते हैं बाद में। सो ये रहा मेरा क्लास, ये सर आ गए यहाँ पे, अटेंडेंस ले रहे हैं। सो ये रहा मेरा क्लासमेट अक्षय कुमार, लेकिन इस बेचारे का मूड ऑफ है, ये सही से क्लास नहीं दे पा रहा है। क्या हो गया अक्षय? फिर भी क्या बात है? कुछ नहीं हुआ। अरे बोले, क्या बात है, मूड ऑफ क्यों है? इसको शायद गर्लफ्रेंड ने ब्लॉक करके रखा है। सो गाइज, अभी हमारा लंच हो गया, अभी बज गए एक बजे से लेकर 2 बजे तक हमारा लंच होता है। और यहाँ पे मेरे साथ दो भाई और भी है जो कि कुलगाम से, ये आईटी डिपार्टमेंट से, और मैं मैकेनिकल डिपार्टमेंट हूँ। मैकेनिकल में मैं खाली सिंगल बंदा हूँ पूरे मैकेनिकल डिपार्टमेंट में। और इनको तो कश्मीरी भाई वहाँ पे होंगे, ये रहा मुजफ्फर भाई, और वो रहा मेराज भाई। सो मुजफ्फर भाई, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो जैसा कि आपने, आपको मेरे फ्रेंड ने इंट्रोडक्शन दिया, तो मैं मुजफ्फर हूँ, मैं साउथ कश्मीर कुलगाम से हूँ। तो हम यहाँ पर बीटेक कर रहे हैं आईटी में, तो ये बहुत ही अच्छा कॉलेज है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम होती है, मतलब जब कोई बंदा किसी सरद इलाके से आता है तो बराबर गर्म इलाके में जाता है, उसको तो प्रॉब्लम होती है। हाँ, ये सही बात मसला है, बाकी सब कुछ ठीक चल रहा है। हाँ, बाकी सब कुछ ठीक चल रहा है। हमारी सजेशन यही रहेगी, जो भी कश्मीर से बाहर पढ़ने आता है, मतलब प्रेफर करे कि कश्मीर में ही पढ़े, क्योंकि कश्मीर में पढ़ाई भी बहुत अच्छी होती है। वहाँ पे मतलब समझना चाहिए, वहाँ पर बहुत ही बढ़िया पढ़ाई होती है। यहाँ पे टीचर्स भी बहुत बढ़िया है, यहाँ पे वैसा कुछ भी नहीं है, यहाँ पे खुद पढ़ना पड़ता है। कम से कम 50% खुद का पढ़ना पड़ता है यहाँ पे, 50-60% है कि नहीं? हाँ, यहाँ पर तो खुद पढ़ना। और दूसरी दिक्कत यहाँ के लिए खुद पढ़ना, दूसरी दिक्कत यहाँ पे आप यहाँ पे रूम लो बाहर, इतनी गर्मी होती है। हॉस्टल में बैठो वहाँ पे भी गर्मी होती है, बहुत गर्मी होती है। और आप लोगों को क्या बताओ, अभी रूम पे ज्यादा गर्मी, अभी 37 डिग्री हो रहा है, एंड कल 43 था शायद, था ना? 44 था। मतलब इंसान जब बाहर निकलता है ना रूम से, तो चाहता है कि हम बाहर जाएंगे तो फिर हवा लेंगे थोड़ी ठंडी, लेकिन जब बाहर निकलते हैं ना तो इतनी गर्म हवा आती है ना, मतलब जिस्म जलने लगता है। सो हमारी सजेशन यही रहेगी कि मतलब कश्मीर में ही एडमिशन करो, वहीं बेटर रहेगा। एक बात और ऐड करना चाहूंगा मैं, कि अगर आप फिर भी एडमिशन करना चाहते हो बाहर, कश्मीर से बाहर एडमिशन करना चाहते हो, कॉलेज में ना करें, यूनिवर्सिटी में करें। जैसे चंडीगढ़ में देखें, यहाँ पे चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी है, पंजाब यूनिवर्सिटी है, वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी यहाँ पे है चितकारा यूनिवर्सिटी। वो मतलब मैंने उसके बारे में बहुत सुना है, वो बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। सो यही सजेशन करता हूँ कि मतलब अगर आप बाहर एडमिशन करें तो फिर यूनिवर्सिटी में करें, कॉलेज में ना करें। आप क्या करना चाहते हो मुजफ्फर भाई? जैसा कि आपको भाई ने बताया, बेटर रहता है कि यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया जाना चाहिए, क्योंकि कॉलेज अपनी यूनिवर्सिटी होती है, ना टेंशन किसी की, पेपर भी उसी में बनता है, मतलब सब कुछ प्रैक्टिकल वैक्टिकल सब ईजी रहता है। इसका मसला कॉलेज का यही रहता है, मतलब प्रैक्टिकल का एग्जाम का बहुत मतलब प्रॉब्लम होता है इसमें, तो इसीलिए मतलब इजी रहता है, मतलब बेटर रहता है एडमिशन हमेशा यूनिवर्सिटी में लेना चाहिए। आप क्या कहना चाहते हो मेराज भाई? ठीक रहता है यूनिवर्सिटी में एडमिशन, यूनिवर्सिटी में ठीक रहता है ना। और जो हमारा एक बात और कहना मैं चाहता, जो हमारा कॉलेज है लांड्रा में, इसमें कश्मीरी स्टूडेंट बहुत कम पढ़ते हैं। हाँ, चंडीगढ़ ग्रुप ऑफ कॉलेज 3% हो गए एज कम्पेयर टू अदर कॉलेज। हाँ, सो अभी हम करते हैं लंच, सो मिलते हैं लंच के बाद। सो यहाँ पे हमारा एक और कश्मीरी भाई मिल गया जो कि हंदवारा से है, इसका नाम है आदिल हुसैन जरगर, जो कि फार्मेसी डिपार्टमेंट से है। इसने खत्म किया है, बस जुलाई तक है इसका सफर इस कॉलेज में, एंड ये अभी 8th सेम में है। सो क्या कहना चाहोगे आप, कैसा फैकल्टी है यहाँ पे 8th सेम की, ये सॉरी फार्मेसी डिपार्टमेंट की? बस फार्मेसी डिपार्टमेंट तो बहुत अच्छा है यहाँ पे, बहुत शांत डिपार्टमेंट है, सब कुछ अच्छे से चल रहा है। अच्छा, स्टाफ भी बहुत अच्छे से बिहेव कर रहा है, मतलब स्टूडेंट भी बहुत अच्छे से बिहेव कर रहे हैं, और
खासकर ये तो है पंजाब में, मतलब पंजाब में बिल्कुल पीसफुल एरिया है, यहाँ पे सेफ है कश्मीरी, कश्मीरी सब सेफ है, ये तो बात नहीं थी। मुझे बहुत से मतलब बंदू ने मैसेज की थी जब मैंने कॉलेज का वीडियो चढ़ाया था, उन्होंने कहा कि तो भाई फार्मेसी डिपार्टमेंट ने कहता है, भाई फार्मेसी डिपार्टमेंट कहता है। सो मैं खुद फार्मेसी से नहीं हूँ, यहाँ पे मेरा भाई है जो कि फार्मेसी डिपार्टमेंट से, इसने मतलब ऑल ओवर कम्प्लीट किया है। सो जैसा आप लोगों ने सुना कि इसने कहा कि यहाँ पे फैकल्टी बहुत अच्छी है फार्मेसी की, सो आपको क्या लगता है एडमिशन करना चाहिए यहाँ पे फैकल्टी में कि नहीं, फार्मेसी फैकल्टी में एडमिशन करना चाहिए, बहुत अच्छा फैकल्टी है, सब कुछ अच्छे हैं। और एक चीज भी है यहाँ पे जो ऑल इंडिया रैंक जो कॉलेज के आते हैं ना, मतलब ऑल इंडिया रैंक कॉलेज के, वो फार्मेसी की 63 है, ये 63 नंबर पे है ऑल इंडिया में, ऑल इंडिया में जी, ऑल इंडिया में 63 है, इस हिसाब से ये कॉलेज बहुत अच्छा है और सब कुछ ठीक है। चलो ठीक है आदिल भाई, थैंक यू, सपोर्टिव भी है सब कुछ। ओके थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। सो गाइज अभी हो रहे हैं 3:45। सो अभी हमारी क्लास खत्म हो गई, आज एक क्लास नहीं पड़ी क्योंकि वो ट्यूट था वो कोई नहीं लगाता है। सो अभी जाते हैं रूम पे, और गर्मी भी बहुत है, गर्मी से मर गए हम कसम से। यहाँ पे मेरे साथ है तौसीफ भाई, जो मरे ठीक बढ़िया हसी बढ़िया। सो गाइज अभी हो रहा है टाइम 7 बजने वाले हैं एंड मैं 4:30 रूम पे आ गया था, बाहर बहुत ही गर्मी हो रही है एंड जब कॉलेज से रूम तक आते हैं ना इतनी गर्मी लगती है ना, आप लोगों को क्या बोलूँ मैं, हिम्मत नहीं होती है चलने की, सच्ची बोल रहा हूँ कसम से। कश्मीर तो जन्नत ही है, वाकई कश्मीर जन्नत है एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। सो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।